जी पर। और जो हमारा चैप्टर चला था कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 34A से। 34A में क्या करना है, हमें बैलेंस शीट दे रखी है 2 ईयर की, हमें पूरा क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में कहाँ जाते हैं, नोट्स जो अकाउंट यहाँ दे नहीं रखा, तो यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 10,000 से 23,000 हो गया, यानी कि 13,000, और कुछ नहीं दे रखा आपको, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा बेटा, 13,000। ना ही डेप है, ना ही कोई इंटरेस्ट पेड है, ना ही कोई लॉस है, ना ही गेन है, यानी कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34A। अब से हम एक काम भी करा करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जैसे आप क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपको प्यारी प्यारी शायरी सुनाएंगे ताकि आप भी खुश हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 34A, 34 में सबसे पहले मैं प्यारा सा फॉर्म बनाऊंगा रेंगता हुआ पर्टिकुलर्स। नया पेन खरीदा है बच्चों, पार्टी मत मांगना बस। ओके, क्या बनाना है सर, कैश फ्लो वाला स्टेटमेंट। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस 17 में था 10,000 का, 18 में हो गया 23,000 का, यानी कि डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा है हमारा 13,000। अब डायरेक्ट यही हमारा क्या आ जाएगा, 13,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखो बेटा, अब हमारा वही ऐड क्या होगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, और लेस क्या होगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। चलो अब देखते हैं बेटा, यहां ट्रेड पेबल दे रखा है 70,000 से 45,000, यानी कि लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, लेस होगी। ट्रेड पेबल 70,000 से 45,000 हो गया, यानी कि 15,000 नहीं बेटा 25,000 माइनस में। उसके बाद यहां ये करंट एसेट्स में, करंट इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट होगा। इन्वेंटरी 80,000 से 90,000 हो गया, यानी कि बढ़ गई इन्वेंटरी 10,000 से। उसका ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 से 1,15,000 हो गया, यानी कि घट गई एसेट्स हमारी, ट्रेड रिसीवेबल 5,000 से बस। अब मैं जरा हमारा देखिए, यहां आपको 13,000 प्लस का था और 5,000, 18,000, यहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो 25,000 और 10,000 यानी कि 35,000 में से मैं माइनस करूंगा 5,000 और माइनस करूंगा 13,000, यानी कि माइनस के मेरे आएंगे 17,000। तो मैं क्या लिखूंगा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी 17,000। आगे बढ़े, ये हमारा ए आ गया, बी करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसमें सिर्फ एक ही चीज है, देखो फिक्स एसेट 50,000 से 66,000 हो गया, यानी परचेज किया, और नन करेंट इन्वेस्टमेंट भी 40,000 से हमारा कितना हो गया, 62,000, यानी ये भी परचेज किया, तो दोनों चीज परचेज किया जाएंगी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 50,000 से 66,000 यानी कि 16,000। उसके बाद परचेज ऑफ नन करेंट इन्वेस्टमेंट, दोनों ही माइनस के हैं, 40,000 से 62,000 यानी कि 22,000 का परचेज किया, दोनों को प्लस करूंगा 38,000 आएगा मेरा माइनस में, और ये माइनस में आ रहा है, यानी कि क्या है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरी एक्टिविटी होगी हमारी सी पार्ट,
सी पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको शेयर दे रखा है, शेयर कैपिटल 2.5 लाख से 3 लाख 20 है, यानी कि इशू ऑफ शेयर की कितने 70,000 का, तो बस ये 70,000 आएगा यहां, इशू ऑफ शेयर्स 70,000 प्लस में, तो ये 70 का 70,000 ही आ जाएगा, और ये प्लस का है यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो अब एक चीज देखिए बेटा, पहले तो मैं यहां ए प्लस बी प्लस सी कर लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस की है, इन्वेस्टिंग माइनस की, ये प्लस का है, तो पहले मैं ये दोनों को प्लस करता हूं, 38,000 प्लस 17,000 ये आएगा 55,000, और 70,000 में से 55 घटाऊंगा तो 15,000 आएगा मेरा प्लस का, ये तो आ गया 15,000। अब मुझे आंसर टैली करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंसेस में प्लस करूंगा, और प्लस करने किसके बराबर आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस के। तो देखो बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो ओपनिंग बैलेंस था कितना था, 30,000, और करंट इन्वेस्टमेंट कितने थे, 10,000, यानी कितना हो जाएगा, 40,000। 40,000 में जो मेरा पीछे आया 15,000, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 55,000। तो देखो हम टैली करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ये 47,000 है, और 8,000 यानी कि 55,000, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आंसर टैली कर लो, ऑपरेटिंग 17,000 माइनस के, इन्वेस्टिंग 38,000 माइनस के, और फाइनेंसिंग 70,000 प्लस के। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 34A हो गया, और 34A होने के साथ साथ आपको मैं एक प्यारा सा शेर सुनाता हूं कि जिसको हमने समझा शरबत वो तो वाइन थी, जिसको हमने समझा शरबत वो तो वाइन थी, और मुझको बाय कह के वो तो ऑनलाइन थी। वाह 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 वाह, क्या शेर सुनाया है सर, मजा आ गया। इसी के साथ 34B भी करते हैं, थर्टी फोर बी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, इसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ बेटा, 34 के दर्शन कर लीजिए, जय हो हीरा। 34B, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड, हो फास्ट फूड का नाम ले दिया, पानी आ गया। तो इसी के साथ ये आपको दे रखा है सब, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, ओके। रिजर्व सरप्लस 50,000 से 60,000 हो गया, नोट दे रखा है तो नोट में देखेंगे, रिटेन अर्निंग 50,000 से 60,000 हो गया, नहीं 10,000 का नेट प्रॉफिट, क्योंकि और कुछ नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000। उसके बाद देखो बेटा, यहां इनटेंजिबल एसेट दे रखी है, 60,000 से 45,000 हो गई, यानी टेंजिबल एसेट रिटन ऑफ, यानी कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, और वहां ऐड होगा इनटेंजिबल एसेट्स रिटन ऑफ, कितना रिटन ऑफ हुआ है बेटा, 15,000, और देन क्वेश्चन में सबसे लास्ट में इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, इंटरेस्ट पेड कितना है, 18,000, दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 10,000 प्लस 15,000 और प्लस 18,000, यानी कि 43,000 आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करना है, वही आपका एड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, और लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। तो चलिए बेटा, करेंट लाइबिलिटी दिख रहा है ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल में यहां देखिए ट्रेड पेबल है, सैंडी कैटर्स है, 1,10,000 के 1,40,000, यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो एड होती है, सैंडी कैटर्स कितने बढ़ गए बेटा हमारे, ये बढ़ गए हमारे 30,000 से, लेकिन जो बिल्स पेबल है वो 15,000 से 10,000 हो गया, यानी घट गया 7,000 से, लेस होगा 7,000। उसके बाद हम आए करंट इन्वेस्ट करंट एसेट्स में, तो इन्वेंट्री 2,00,000 से 2,80,000 हो गई, यानी 80,000 बढ़ गई, लेस में जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल 1,23,000 से 94,000 आ गए, तो बेटा ये हमारे एड में जाएंगे।
अदर करेंट एसेट नोट नंबर 4, यहाँ देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 से 15,000 होगा, ये भी लेस में जाएंगे। तो क्या क्या चीजें लेस में जाएंगी बेटा हमारी, सबसे पहले इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री हमारी 80,000 से बढ़ गई, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया तो ट्रेड रिसीवेबल एड में जाएगा, कितना कम हुआ 6,29,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 से बढ़ गया, लेस में जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, ये माइनस वाले देखो, प्लस वाले ज्यादा है, तो पहले 43,000 प्लस 30,000 प्लस 29,000, अब माइनस करूंगा मैं 7,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000, तो 10,000 का मेरा ये क्या आ गया, प्लस में आया है। और मेरा ये क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000। अब भी पॉइंट आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसमें क्या करना है हमें, सिर्फ हमें यहां एक एसेट दे रखी है टेंजिबल एसेट 1,72,000 से 2,96,000 हो गई, यानी परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स कितना आएगा, 2,96,000 में से 1,72,000 माइनस करूंगा तो ये आएगा 1,24,000 माइनस के, और यही आएगा सिर्फ, तो ये 1,24,000, और यहां आएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए शेयर कैपिटल 3,00,000 से 4,00,000 यानी कि बढ़ता, 3,00,000 से 4,00,000 हो गया यानी कि 1,00,000। उसके बाद देखो बेटा यहां मॉर्गेज लोन 1,00,000 से 1,30,000 यानी पेमेंट किया है, रिडेम्पशन या पेमेंट ऑफ मॉर्गेज लोन 30,000 माइनस में, पब्लिक डिपॉजिट का भी पेमेंट किया है 60,000, इंटरेस्ट भी पेड करी थी बेटा क्वेश्चन में कितनी थी 18,000, तो मैं ये माइनस करनी है, प्लस का होता है 1,30,000 1,30,000 और 1,30,000 में 78,000 माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा 52,000 प्लस के, यानी कि नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ए प्लस बी प्लस सी करता हूं तो हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी वो 10,000 थी प्लस की, और ये प्लस के हैं 52,000, लेकिन हमारी इन्वेस्टिंग माइनस की थी तो 1,24,000 माइनस 62,000 करूंगा तो 62,000 आएंगे मेरे माइनस के। अब माइनस के 62,000 में मैं ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो 80,000 है ये करूंगा, तो ये माइनस के 62,000 और प्लस के 80,000 यानी कि कितना आएगा 18,000, और आप देखिए प्रीवियस से कितना है 18,000, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटा आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 34 ए कर लिया और क्वेश्चन नंबर 34 बी कर लिया, अगली वीडियो में हम करेंगे इस क्वेश्चन के आगे के।